भागवत विद्यालय में एक शिष्य भागवत जी का विगत कई वर्षों से अध्ययन कर रहा था, पर गुरु जी को एक भी श्लोक नहीं सुनाया। गुरु जी पूछे, अरे मूर्ख, इतने वर्षों से भागवत पढ़ रहा है, अब तक तूने मुझे एक भी श्लोक कंठस्थ करके नहीं सुनाया, क्या बात है? क्या तुम्हें श्लोक याद नहीं? शिष्य के नेत्र में आंसू आ गए, रोने लगा। गुरुजी पूछे, क्यों रो रहा है, बताओ तो सही, अब तक तुमने भागवत का श्लोक याद करके कंठस्थ करके क्यों नहीं सुनाया? शिष्य रोते हुए कहा, गुरुजी, हम जब भी भागवत जी को पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए भागवत जी को खोलते हैं ना, तो जो काले काले अक्षर में जो श्लोक लिखे हुए ने गुरुजी बोले हाँ हाँ, बोले वो काले काले अक्षर वाले में श्लोक दिखाई नहीं पड़ता। फिर बोले वो काले काले अक्षर में वो काला बंसी वाला दिखाई पड़ने लगा। इतना ही नहीं गुरुजी, जो काले काले अक्षर के बीच में जो श्वेत श्वेत डेप्थ है ना, खाली स्थान है ना, उसमें साक्षात मुझे श्यामा जी, किशोरी जी नजर आने लगती हैं। गुरुजी हमें तो श्लोक के अक्षर अक्षर में साक्षात श्यामा श्याम नजर आने लग जाते हैं। अरे हमें श्लोक दिखाई पड़े तब तो मैं आपको श्लोक याद करके सुनाऊं। तो जिस भागवत के श्लोक के अक्षर अक्षर में साक्षात है राधा माधव समाये हुए हूँ, भागवत की तुलना और क्या किया जा सकता है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।